दोस्तों आईपीएल 2021 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है एमएस धोनी के मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने को लेकर, दूसरी अपडेट है आरसीबी के आरटीएम कार्ड प्लेयर्स को लेकर, इसके बाद आईपीएल की नई तारीख और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट आईपीएल 2021 के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है आरसीबी के तूफानी ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, और मैक्सवेल के ऊपर सुनील गावस्कर ने काफी बड़ा बयान दिया है। और सुनील गावस्कर ने बताया है कि मैक्सवेल ने आईपीएल 2021 में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके ये प्रूव कर दिया है कि क्यों उन्हें वर्ल्ड टी20 का सबसे बेस्ट बल्लेबाज माना जाता है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर यानी कि एबी डिविलियर्स की तरफ से, और डिविलियर्स ने उन बातों का खंडन कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे, यानी कि एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भी वापसी नहीं करेंगे। और जो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स थी उसको डिविलियर्स ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के ड्यूरेशन को लेकर। जब आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा तो ये ऑक्शन टोटल 2 से 3 दिनों तक चलेगा, क्योंकि इस ऑक्शन में लगभग 700 से 800 बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से आईपीएल मेगा ऑक्शन के ड्यूरेशन को काफी लंबा कर दिया गया है और 2 से 3 दिनों तक मेगा ऑक्शन चलेगा, जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क पर दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, और धोनी को लेकर के काफी बड़ा अपडेट आया है, जहां पर आईपीएल के मेगा ऑक्शन में एमएसडी पार्टिसिपेट करेंगे और वो खुद आईपीएल के ऑक्शन में एज ए प्लेयर आने वाले हैं और खुद पर देखना चाहते हैं कि सभी टीमें उन पर कितनी तक की बिडिंग करती है, और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके एमएस धोनी को वापस से अपने स्क्वाड में रिटेन कर लेगी, लेकिन धोनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एमएस धोनी को आईपीएल के मेगा ऑक्शन में आना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश राणा की तरफ से, और नीतीश राणा ने काफी बड़ा बयान दिया है, जहां पर नीतीश राणा ने बताया है कि वो इंडियन टीम की तरफ से खेलने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है और उनको उम्मीद है कि इंडिया श्रीलंका के स्क्वाड में नीतीश राणा को मौका दिया जाएगा, यानी कि नीतीश राणा आईपीएल 2021 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या नीतीश राणा को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिलना चाहिए फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आरसीबी के आरटीएम कार्ड प्लेयर्स की तरफ से, यानी कि आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो उससे पहले रिटेन प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूंगा, तो आरसीबी की टीम सबसे पहले विराट कोहली को रिटेन करेगी और साथ ही साथ एबी डिविलियर्स को भी रिटेन कर लेगी, और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल को भी मेगा ऑक्शन से पहले अपने स्क्वाड में आरसीबी की टीम रिटेन कर लेगी। उसके बाद ये टीम 2 प्लेयर्स पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें पहला बड़ा नाम होगा युजवेंद्र चहल का, क्योंकि ये काफी बेहतरीन स्पिनर है। तो इस वजह से चहल को ये टीम आरटीएम कार्ड के जरिए रिटेन कर लेगी। वही दूसरा बड़ा नाम देवदत्त पड्डीकल का हो सकता है, हालांकि इस टीम के पास सिराज के रूप में भी ऑप्शन है, लेकिन ये टीम देवदत्त पड्डीकल को ही आरटीएम कार्ड के थ्रू अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर लेगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल के मेगा ऑक्शन में जो रूट के पार्टिसिपेट करने को लेकर,
जहां पर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब आईपीएल 2022 में ऑक्शन होगा तो ऑक्शन प्लेयर्स की लिस्ट में जो रूट अपना नाम देने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के मेगा ऑक्शन में जो रूट जैसा दिग्गज प्लेयर नजर आने वाला है, तो आपके अकॉर्डिंग जो रूट को आईपीएल 2022 में कौन सी टीम की तरफ से खेलना चाहिए? आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या जो रूट को चेन्नई की टीम को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की 8वीं बड़ी अपडेट है एशिया कप 2021 को लेकर, जहां पर पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में एशिया कप किया जाएगा, लेकिन टीम इंडिया के खेलने से इनकार करने के बाद में रिपोर्ट आई थी कि श्रीलंका में एशिया कप होगा, लेकिन अब फाइनली रिपोर्ट आ चुकी है कि एशिया कप 2021 को पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया है और एशिया कप 2021 का आयोजन नहीं होगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोविड के चलते काफी बड़ा टूर्नामेंट कराना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इस वजह से फिलहाल के लिए एशिया कप 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसके पीछे का एक मुख्य रीजन ये भी है कि टीम इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकती थी, क्योंकि ये टीम उस वक्त श्रीलंका के साथ सीरीज खेलेगी और एशिया कप के लिए कोई भी विंडो नहीं बचा हुआ है, तो इस वजह से फाइनली एशिया कप को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2021 के नए डेट को लेकर, जहां पर आईपीएल में जब 31 मैच बचे हुए थे तो अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते बीसीसीआई को आईपीएल को पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन अब फाइनली रिवील हो चुका है कि कौन से तारीख को और कौन से महीने में आईपीएल के शेष 31 मैच स्टार्ट होंगे। जहां पर डेट्स के बारे में बात करें तो अब सितंबर अक्टूबर के विंडो में फाइनलाइज हो चुका है कि इसी विंडो में बीसीसीआई आईपीएल के शेष 31 मैचों को स्टार्ट करेगी, और जब आईपीएल वापस से स्टार्ट होगा तो आरसीबी और केकेआर की टीम आपस में मैच खेल करके आईपीएल 2021 को रिज्यूम करने वाली है। और टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें तो 20 सितंबर टेंटेटिव डेट्स माना जा रहा है और लगभग ये भी कंफर्म डेट होगा, और इसी तारीख से आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैचों को बीसीसीआई एक बार फिर से रिस्टार्ट करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर, जहां पर फाइनली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सिडनी में पहुंच चुके हैं और सिडनी में क्वारंटाइन हो चुके हैं, और उनके क्वारंटाइन का खर्चा खुद बीसीसीआई ने मैनेज किया है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर अभी जो भी खर्चा हो रहा है वो बीसीसीआई हैंडल कर रही है, और इसका खुलासा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो यही था आज के दिन में क्रिकेट से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।